हेलीकॉप्टर पर हेलीकॉप्टर उतरते थे, लेकिन बिहार के लोग सुनने वाले नहीं थे मैदान में। लग रहा था कि बिहार परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है और बिहार के अंदर एक अच्छी सरकार, एक नई सरकार बनेगी, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव आयोग और मोदी जी की सह पर जनादेश की डकैती हुई और हम महागठबंधन के लोग सरकार बनाने से चूक गए। लेकिन जिन वादों के साथ हम 110 विधायक गए हैं, अपने वादे से एक इंच पीछे हटने वाले नहीं है। आपने देखा भी होगा, जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चाएं हो रही थी, शर्म की कार्रवाई को जिन लोगों ने देखा होगा, नीतीश कुमार का वही रटा रटाया भाषण, वही जुमला और निर्लज्जता की सारी हद की पार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदगी करने वाले लोग जो चुनाव के मैदान में कहते थे कि 10 लाख नौकरी कहां से लाएगा तेजस्वी, जब नौजवानों ने पलट कर पूछा और बताया कि 10 लाख नौकरी कहां से आएगा, तो चक से अपने नारा को उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नहीं, हम 19 लाख देंगे। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी से चर्चा करते हुए एक वर्ष जो है रोजगार के संदर्भ में पूरे 45 मिनट के स्पीच में एक वर्ड रोजगार के संदर्भ में नहीं कहा। इसलिए मैंने निर्दयता की बात कही कि बगल में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदगी करने वाले लोग बैठे थे और मुख्यमंत्री पर इससे सवाल ये नहीं किया कि जनता से जो हमने वादा किया था राज्यपाल के अभिभाषण पे क्रियान्वयन के जो प्रस्ताव आने चाहिए थे उसमें रोजगार की कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं था। जो दलित, जिस अति पिछड़े के भरोसे नीतीश की नैया पिछले वर्षों से 15 वर्षों से पार करती रही, उस अति पिछड़ा का सबसे बड़ा सवाल आवास की भूमि, जोतने की जमीन, मिले हुए पर्चा पर कब्जा उनके अभिभाषण से गौण था। उनके अभिषेक हुसैन ने जरूर चर्चा था कि हमने सभी पंचायतों में हाई स्कूल खोला, लेकिन कहीं चर्चा नहीं था जो हाई स्कूल का भवन बना कि नहीं, लाइब्रेरी बनी कि नहीं, शिक्षकों की बहाली हुई कि नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। रटी रटाई भाषण और जुमलों की सरकार से उम्मीद के कोई गुंजाइश कम से कम हमारे जैसे विधायक को तो उस सदन में नहीं लगा, और इसलिए हम दोनों विधायकों ने हमारे अजय जी धन्यवाद बात प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो हमने भी नीतीश को पूछना किसी ने से पीछे नहीं हटा। हमने कहा कि नीतीश जी ये रटी रटाई भाषण से बिहार चलने वाला नहीं है, बिहार की जनता से जो वादा किया है वो वादा निभाना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। भाइयों, बिहार के अंदर सत्ता जरूर जनादेश की डकैती से उनकी बनी है, जनादेश की सरकार नहीं है, इसलिए ये अभिनंदन से ज्यादा संघर्ष का ही आगाज है। मोहद्दीन नगर से हम शुरू करने जा रहे हैं। मोहद्दीन नगर समाजवादी और कम्युनिस्टों की धरती रही है और यहां से
जो संघर्ष शुरू होता है सूबे बिहार के हर कोने में एक धारा बन के मजबूती से जो है सत्ता को अपने चरित्र को बदलने के लिए बाध्य कर देता है। और इसलिए बिहार के अंदर नीतीश की जो सरकार है, हमने पहले ही कहा तो उम्मीद की गुंजाइश नहीं, नैतिक रूप से मानसिक रूप से हारा हुआ एक सिपाही के हाथ में बिहार को कमान दे दिया गया और पीछे से आरएसएस पिछड़ा और दलित के नाम पर जैसे गांव में सामंत जो है मुखिया उसी को बनाता है, जब आरक्षण आ जाता है तो अपने हरवाहा और चरवाहा को मुखिया बनाता है और कंट्रोल अपने पावर में रखता है, उसी तरह से सामंतों की पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने दलित के नाम पर दो निकम में मुख्यमंत्रियों को जिसको 2020 नहीं 2020 कहता है, और उस महिला की तो बातें छोड़ दीजिए, दोनों की कठपुतली को बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बना किनके साथ नीतीश कुमार जी काम करेंगे। मैंने कहा कि हारा हुआ नैतिक रूप से गिरा हुआ व्यक्ति के हाथ में बिहार का कमान चला गया है, इसलिए आप उनसे विकास सामाजिक समस्या को उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार के बनने के बाद से हर गांव गलियों में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, लगातार हमले हो रहे हैं, लूट हो रहा है, अपहरण और फिरौती के बाजार गर्म है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि उनके गठबंधन के सहयोगी लोग भी आज स्वीकार करने के लिए तैयार है। और इसलिए भाइयों, नीतीश कुमार जी से उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, नीतीश और उनकी सरकार सिर्फ संघर्ष की भाषा समझती है और आज देश के संघर्ष के आंदोलन सरकार को अपनी भाषा समझाने के लिए बाध्य कर दिया है। पंजाब से उठा हुआ किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे हमारे माननीय विधायक, हरियाणा से देश के विभिन्न भागों से जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों के आहट के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार संशोधन को संशोधन दिए जा रही है, लेकिन तीनों कानून रद्द करने से पीछे भाग रहे हैं। संघर्ष का यह तकरार है कि हिंदुस्तान की सरकार झुकने झुकने को है। अगर बिहार के अंदर 19 लाख रोजगार चाहिए, किसान सलाहकारों को वेतन चाहिए, टोला सेवक आशा आंगनबाड़ी शिक्षकों के समान काम का समय वेतन चाहिए, खेतकर मजदूरों का पेंशन चाहिए, कृषि का लोन माफी चाहिए और हाजीपुर से बछवाड़ा NH 22B का निर्माण चाहिए, तो आपको भी जब हम सदन के अंदर लड़ते हैं तो सड़कों पर भी आपको लालका और हरा झंडा के साथ खड़े होकर लड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये सरकार जो है झुकेगी और जनता के दिल में यह सरकार काम करेगी। संघर्ष के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, संघर्ष ही एक रास्ता है जो हम अपने काम को करवा सकते हैं और संघर्ष ही एक ऐसा रास्ता है जो इस निकम्मी सरकार को हम बदल सकते हैं, इसलिए संघर्ष के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपने कहा कुछ मांग था, सुधीर जी चर्चा कर रहे थे हाजीपुर से बछवाड़ा तक की NH 22 की जर्जर अवस्था के संदर्भ में, बिल्कुल रोड एक्सीडेंट नहीं है, बिहार के अंदर जितने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं वो स्टेट किलिंग है, राज्य द्वारा की गई हत्या है, प्रायोजित हत्या है। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी
अपने तरफ से भी और महागठबंधन के प्रयास से भी इन सवालों को हम सदन के अंदर रखने का काम करेंगे, ये मैं पूरा आपको भरोसा दिलवाता हूं। हमारे किसान सलाहकार कह रहे थे हम लोगों ने धन्यवाद प्रस्ताव के दरमियान भी चर्चा की थी और हमने कहा था ये ठेका की प्रथा समाप्त कीजिए, परमानेंट नौजवान को नौकरी दीजिए, जो ठेका पर रखा गया है उनको परमानेंट करने का काम कीजिए। शीतकालीन सेशन शुरू होगा, शायद शीतकालीन सेशन बीत गया, अब बजट सेशन भी शुरू होगा और निश्चित रूप से आपने जो मांग रखा है मजबूती के साथ सदन के अंदर रखेंगे ही नहीं बल्कि सरकार को मानने के लिए बात करने का काम हम कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक करेंगे। चर्चाएं हैं, दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी, ये राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे। लंबे दिनों के बाद 95 के बाद बिहार विधानसभा के अंदर सीपीएम सीपीआई और भाजपा मारे कि हमारे 16 साथी सदन के अंदर विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम भरोसा आपको दिलाना चाहते हैं ये जो 16 विधायक आए हैं ये कोई फ्रीज से निकल के नहीं आए हैं, किसी कॉर्पोरेट कुलपति के घराने के नहीं है बल्कि 16 के 16 साथी जन संघर्षों के साथी हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में जन संघर्षों के महारत हासिल किए हुए हैं। और इसलिए सदन अगर जय श्री राम कोई लगाता है तो जय भीम लाल सलाम की भी रेखाएं सदन के अंदर सीधे से विभाजित होती है और जय भीम लाल सलाम संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा उम्मीद को त्यागिए मत। मैंने कहा कि 95 के बाद पहली बार वाम दलों के सदन के अंदर प्रतिनिधित्व बढ़ेंगे और बढ़े हैं तो सदन जो है संघर्षों के आखिर बनेगा, गरीब किसान मजदूर दलित और पिछड़ा कि हक का संघर्ष का लड़ाई का केंद्र बनेगा, ये हमारी कोशिश और हमारे वामपंथी विधायक की कोशिश निरंतर है। इसके साथ ही सदन और सदन के बाहर भी हम लड़ेंगे। वामपंथ की ताकत के संदर्भ में कई तरह की नकारात्मक बातें थी लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के 242 विधानसभाओं में कोई वैसा विधानसभा नहीं है जहां 10,000 15,000 20,000 वोट और हमारे कैडर नहीं है। अगर आज जरा सा चूक नहीं हुई होती तो मोहद्दी नगर से भी हमारा विधायक मनोज सुनील या जवाहर भाई होते लेकिन दुर्भाग्य से टिकट के बंटवारे के समय कई राजनीतिक मजबूरियां होती है, कई घटनाएं परिघटनाएं होती हैं जिसके चूक के चलते आप जो है इस क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैंने कहा कि समाजवादियों और कम्युनिस्टों की धरती है लेकिन इस धरती पर भगवा क्या कमल खिला तो कहीं ना कहीं गलती इन कम्युनिस्टों और समाजवादियों की जरूर रही होगी जिसके चलते भगवा का कमल खिला है। श्री भाइयों हम तो ज्यादा नहीं कहेंगे 5 वर्ष बाद चुनाव होंगे लेकिन निश्चित रूप से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मोहद्दी नगर के अंदर संघर्ष खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के खिलाफ जो बिहार के अंदर आंदोलन देश के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं। अगर उस आंदोलन को आपने यहां विकसित करने खड़ा करने का काम किया तो मनोज कुमार सुनील निश्चित रूप से जो है बिहार विधानसभा का यहां से प्रतिनिधित्व करने का मौका 2025 में मिलेगा और हम लोग जैसे लोग भी सदन के अंदर और पार्टियों के अंदर भी लड़कर इनको टिकट दिलवाने का काम करेंगे।
भाइयों, लेकिन मैंने कहा, हमेशा कहा कि संघर्ष के क्रिया के सिवाय कोई शॉर्टकट रास्ता हमारे पार्टी में और बिहार की राजनीति में बची नहीं है। सिर्फ संघर्ष से ही आप बिहार की सरकार को बदलाव कर सकते हैं। सिर्फ संघर्ष से ही जिस मंजिल को हासिल करना चाहते हैं उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कि एक मात्र मंत्र संघर्ष है, उस संघर्ष को जारी किए मोहती नगर के अंदर कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आंदोलन को तेज किए। इन्हीं बातों के साथ आपने इस अभिनंदन समारोह में हमें बुलाया, आपने जो मान और प्यार दिया, जो सम्मान दिया, हमेशा मैं इसका ऋणी रहूंगा। और मैं मान ही नहीं बल्कि सूबे बिहार का जहां भी कोई आदमी का प्रश्न हो, जिस प्रश्न को लेकर कोई सदन के अंदर नहीं बोलता है, तो निश्चित रूप से मैं इस प्रश्न को लेकर सदन के अंदर खड़ा होगा। और मोहती नगर बिहार का वो पहला जगह है जहां हमें अभिनंदन के लिए बुलाया गया है। इस बात का भी ऋणी हूं कि आपके सवाल को सदन के अंदर हमेशा रखने का काम करूंगा। इन्हीं बातों के साथ हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे पार्टी के वरिष्ठ विधायक कॉमरेड अजय जी हैं। बाकी राजनीतिक सवालों पर आपसे रूबरू होंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आप तमाम लोगों अपनी पार्टी के तरफ से, छपरा के पार्टी के तरफ से और अपने तरफ से भी परमाजी की जनता के तरफ से आपको क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।